Hello, welcome back to my channel. This is your Kaw Foodie. In this video, I'm going to show you the sandwiches making. And in this video, I will show you the veg sandwich as well as chicken sandwich. So, ये वाली जो हमारी making हो रही है, ये हमारे veg mix sandwich की हो रही है, जिसके अंदर आपने देखा onion चले गए, onion, tomatoes, इन्होंने खीरा, cucumber और ये सब चीज़ें इसके अंदर use की थी। इस सैंडविच को रिसेंट में मैंने ट्राई किया था और मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं और इसके रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। फ्रेंड्स, आप मुझे लोकेशन पूछ सकते हो इसकी डीएम करके और कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो सैंडविचेस लवर है। सो गाइस, इसके अंदर आप देख सकते हो उन्होंने मिंट वाली मेयोनीज यूज़ की और इस साइड इन्होंने तंदूरी मेयोनीज यूज़ की। सो और वेजेस यूज़ कर ली उसके ऊपर, अब इन्होंने वाइट मेयोनीज इस पर डाल दी। सो गाइस, जो इन्होंने ये पनीर यूज़ किया था ना, ये वाला पनीर जो था इनका फ्राइड था। सो इट वॉज़ द गुड थिंग जो मुझे सैंडविच के अंदर लगी, जो ये पनीर यूज़ कर रहे हैं वो फ्राइड तो बहुत ही क्रिस्पी सा उसके अंदर ना टच आ रहा था। और आपने देखा इन्होंने स्वीट कॉर्न भी इसमें यूज़ किया है। सो मिक्स वेजेस के साथ इस पर ढेर सारा चीज़ जाने वाला है। भर के इन्होंने इसके ऊपर ना चीज़ डाल दिया, इतना सारा चीज़ डाल दिया, पूछो ही ना। बट गाइस, इसका जो प्राइस था ना वो 100 रुपीज़ था, जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। 100 रुपीज़ इसमें इसलिए ज़्यादा लगा मुझे क्योंकि जब मैंने इसको एंड में टेस्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इसमें ज़्यादा लगा 100 रुपीज़, क्योंकि चीज़ का इतना फ्लेवर नहीं आ रहा था। बट जो सैंडविच बनाना वो एकदम ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो देखने में कितना टेम्प्टिंग और कितना अच्छा सा लुक दे रहा है ये। अगर बात करें हमारी चिकन सैंडविच की, जो आ गया है चिकन सैंडविच, तो ये वाला जो सैंडविच था ये ज़बरदस्त था। हाँ, मैंने नहीं खाया इसको, मैंने अपने एक फ्रेंड से टेस्ट कराया क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, आप जानते ही हो। सो उसने मुझे बताया कि ये ज़बरदस्त था सैंडविच, एकदम टेस्ट में मज़ा आ गया उसको ये सैंडविच खा के। बट देख सकते हो उस पर ना भर भर के हमारा बटर जाने वाला है। सो ये बटर लगा के इसको दोनों तरफ से रोस्ट कर देंगे। एक चीज़ इसमें और है, इन्होंने ना जो है आप देख सकते हो तवा यूज़ किया है, जो होता है ना बड़ा पैन यूज़ किया, वो भी ग्रिल वाला है सैंडविच को बनाने के लिए, बिकॉज इनके पास वो सैंडविच मेकर नहीं था। सो इन्होंने ये पैन यूज़ किया। सो इसके अंदर भी जो इसका क्रिस्पीनेस थी ना, बहुत ही खिलकर आ रही थी। चिकन सैंडविच का भी गाइस सेम प्रोसेस रहने वाला है, पनीर की जगह चिकन यूज़ होगा माइट बी इसमें, देखो जरा वीडियो में एंड तक। तो देखो गाइस, इन्होंने एक तरफ तंदूरी मेयोनीज लगा लिया, एक तरफ फिर से मिंट मेयोनीज लगा ली है और बहुत सारी वेजेस यूज़ करने के बाद इस पर वाइट मेयोनीज डाल दी है बहुत सारी। अब गाइस, इनका जाने वाला है इस रेसिपी का मेन, यू नो चिकन डलेगा गाइस इसमें, भर भर के चिकन जाने वाला है। इसका प्राइस था 110 रुपीज़ और आप देख सकते हो चिकन कितना टेम्प्टिंग लुक दे रहा है। ऑल दो मैं नहीं खाती हूँ बट ये टेम्प्टिंग लुक दे रहा है बहुत ही ज़्यादा, यू नो एकदम ना ग्रेवी में लटपटा सा ये चिकन है। इसके ऊपर मसाला डालने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा खिल कर आ रहा था। सो ये वाला सैंडविच भी गाइस हमारा बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आर सैंडविच, अब इसकी होने वाली है प्लेटिंग। फाइनल पेटिंग हमारे सैंडविच की होने वाली है। फाइनल पेटिंग हो जाने के बाद आप देख सकते हो कितना टैम्पटिंग सा लुक दे रहा है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लुकिंग ये है इसके ऊपर। अब इन्होंने मेयोनीज से डालनी थी बट मैंने नहीं डलवाई और केचप डलवाई है इसके बदले। अब इसको कर लेते हैं एक बार टेस्ट। हाँ, सो गाइस अच्छा था, टेस्टी था, अमेजिंग था, आप ट्राई कर सकते हो।